दर्शन न्यूज। महाराजगंज संसदीय लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा क्षेत्रों में क्रमशः एक एक शुगर मिल स्थापित करके इस क्षेत्र के किसानों, मजदूरों व बेरोजगार नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई जा सकती है। वर्ष 2030 से पहले इन क्षेत्रों में क्रमशः एक एक गन्ना मिल स्थापित कराने का मैं अपना संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। यह बातें माजी के डुमरी निवासी व समाज सेवी चंद्रदेव सिंह के पुत्र तथा रांची में आयकर उपायुक्त के पद पर पदस्थापित IRS अजय कुमार सिंह ने रविवार को माझी के डुमरी स्थित विवाह भवन में मौजूद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही। उन्होंने कहा कि गन्ना मिल स्थापित कराने की दिशा में वे कृषि मंत्रालय के वरीय पदाधिकारियों व तथा गन्ना के क्षेत्र से जुड़े बड़े उद्योगपतियों से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से क्षेत्र की लचर सिंचाई व्यवस्था, खासकर गंडक नहर परियोजना, पंप नहर परियोजना तथा जल स्रोतों और सरकारी नलकूपों की विफलता से कृषि के इस क्षेत्र में मौजूद अकूत संभावनाएं तार तार कर होकर रह गई हैं। सारण से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, महाराजगंज के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 में, तो जो भी नेता है, विधायक है, उससे मेरा अनुरोध यही है कि क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और जब तक ले किसानों की दशा और दिशा नहीं बदलेगी, तब तक ले देश और इस क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। और कृषि आधारित इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए पूरा हर विधायक और सांसद कोशिश करें कि कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है, और मेरा यह अपना सोचना है कि 6 विधानसभा क्षेत्र हैं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में, और 600 शुगर फैक्ट्री स्थापित हो जाए तो किसानों की दशा और दिशा बदल जाएगी। साथ ही साथ हर पंचायत लेवल पर कृषि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सरकारी क्रय केंद्र की स्थापना पेमेंट हो जाए, और किसानों का जो प्रोडक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की व्यवस्था सरकार करे, तो इससे ये होगा कि किसानों की दशा और दिशा काफ़ी मजबूत हो जाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग खुश हों और आनंदित रहें और खुश रहें, और किसान जब मजबूत हो जाता है तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। थैंक यू सर।